आज हमारा टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 और 2 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन शीट जो है फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में एक्स मौजूद है, एक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे, ठीक है। किस तरह फाइंड करेंगे, क्वेश्चन 1, लॉग 5 रूट टू द पावर 125 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की डेफिनेशन, तो इससे हम लॉग खत्म करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक है। तो लॉग खत्म करेंगे या इसी तरह भी लिख सकते हैं बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5 रूट के ऊपर हम एक्स की वैल्यू एक्स लगाएंगे और ये 125 जो है ये हम शिफ्ट करेंगे एक्स की जगह, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए रूट की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय 2 है, तो रूट की वैल्यू लगाएंगे एंड एक्स पावर बन जाएगा और यहां क्या है 125 है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा और 2 जो है ये एक्स के नीचे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाइड, तो 5 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स आ जाएगा एंड 2 1 और 2। सो अब देखे इधर बेस क्या है, बेस 5 है, ये भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें 5 जो है ये बेस आ जाए, ठीक है। तो जब हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 और 25 एंड 25 5 और 125, तो 5 पर जब हम क्यूब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 125। अब देखें 5 के साथ इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो हम कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग पावर, ठीक है। पावर लेफ्ट साइड में पावर क्या है, x डिवाइड बाय 2 है एंड राइट साइड में क्या है 3 है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं x की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, x हमें खत्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 2 जो है ये खत्म करना, 2 डिवीजन में है ये हम मल्टीप्लीकेशन पे खत्म कर, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो x इधर रह जाता है एंड 3 2 और 6, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तरह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, log 4 टू द पावर x इज इक्वल टू -3। तो सॉल्यूशन log 4 टू द पावर x इज इक्वल टू -3 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 टू द पावर -3 इज इक्वल टू x। अब देखिए 4 की पावर क्या है, माइनस फॉर्म में है, मीन नेगेटिव है, तो ये हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और x की 4 की पावर जो है ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 3, ये 3 जो है ये पॉजिटिव हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 अपनी जगह एंड 4 आर 16 एंड 16 4 आर 64, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 64 ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ, सॉल्यूशन log 81 टू द पावर 9 इज इक्वल टू x। तो इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 81 अपनी जगह टू द पावर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए 81 को हम 3 के बेस में लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह, 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4, 3 आर 9, 9 3 आर 27 एंड 27 3 आर 81, ठीक है। 3 को हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 81 आ जाएगा एंड होल टू द पावर x है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x, 4x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 के साथ इक्वल, बेस इक्वल हो गया, हम कंपेयरिंग करेंगे पावर के, ठीक है। By comparing power, तो लेफ्ट साइड पावर क्या है 4x है और राइट साइड पे क्या है 2 है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को खत्म करना है, 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो हम डिवीजन पे खत्म करेंगे, ठीक है। 4 के साथ खत्म, x इज इक्वल टू 1 और 2, 2 2 और 4, 1 डिवाइड बाय 2, ये है हमारा आंसर, ठीक है। और log 3 टू द पावर 5x टू द पावर 1 5x plus 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो
तो लक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा 5x प्लस 1 की जगह एंड 5x प्लस 1 उधर आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आ जाएगा एंड 5x प्लस 1, 1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, 9 माइनस 1 आ जाएगा, 1 इधर प्लस है इधर आके ये माइनस बन जाएगा एंड 5x इधर आ जाएगा। अब 9 से जब हम 1 निकालते हैं तो 8 is equal to 5x divided by 5 and divided by 5 के साथ खत्म, x is equal to 8 divided by 5, तो ये है हमारा आंसर और x की वैल्यू है, ठीक है। मूव करेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, सॉरी क्वेश्चन 5, सॉल्यूशन log 2 to the power x is equal to 2 to the power x is equal to 7, तो By writing in exponential form, ठीक है, तो 2 अपनी जगह, 2 to the power 7 बन जाएगा एंड x इधर रह जाएगा। अब 2 को जब हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए 2 to r 4, 2 r 8, 2 r 16, 2 r 32, 2 r 64, 2 r 128, तो 128 is equal to x, so x is equal to 128, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6, log x to the power 1 divided by question 6 क्या है, question 6 में कुछ इस तरह है, by writing an exponential form तो log खत्म हो जाएगा x to the power 2 and इधर ये 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अब x square है 0.25, ये हम square के form में लगाएंगे, x जो है ये base में मौजूद है तो हमें हम base में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पावर क्या है 2 है, तो 2 हमें 2 पावर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 0.5 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 0.25 आ जाता है, ठीक है। अब देखें पावर पावर के साथ इक्वल हो गया बाय कंपेयरिंग व्हाट, बाय कंपेयरिंग बेस, बाय कंपेयरिंग बेस, सो लेफ्ट साइड पे बेस क्या है x है एंड राइट साइड पे क्या है 0.5, तो ये है हमारा क्वेश्चन 7 क्या है, log x to the power 0.001 is equal to minus 3, तो by writing an exponential form x to the power minus 3 बन जाएगा and 0.001 minus 3 0.01 की जगह and 0.001 जो है ये minus 3 की जगह। अब x to the power minus 3 तो हमें इसमें भी power जो है ये minus 3 चाहिए है, ठीक है, तो ये हम standard form में लिखेंगे ये वन पॉइंट जो है डिसिमल पॉइंट ये हम शिफ्ट करेंगे राइट वन की राइट साइड, ठीक है, और फोर जो है ये माइनस बन जाएगा, तो ये ऐसे तरह जाएगा 10 बेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू द पावर 1 2 3 माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। डिसिमल पॉइंट जो है ये 3 नंबर जो है ये हमने शिफ्ट किया। अब देखिए x to power minus 3, 10 base to power minus 3 multiplied by 1, 10 base to power minus 3. अब देखिए minus 3 minus 3 के साथ equal power जो है ये equal हो गया, हम comparing करेंगे by comparing what? By comparing base. तो left side पे base क्या है? x है और right side पे 10 है, तो x is equal to 10, ठीक है। Next question, 8, log x to power 1 divided by 64 is equal to minus 2. So, by writing an exponential form, में हम पहले लिखेंगे, तो x to the power minus 2 बन जाएगा and 1 divided by 64 जो है ये इधर आ जाएगा। अब x to the power minus 2 है and इधर देखें 1 divided by 64, 8 को जब हम square करते हैं तो ये 64 बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 8 8 to the power 2 है, ये हम numerator में shift करेंगे, तो power जो है ये minus बन जाएगा, तो 8 to the power minus 2, ठीक है। अब देखिए power power के साथ equal हो गया by comparing base, left side पे base क्या है x, in right side पे 8 है, तो x is equal to 8. Last question, solution by writing an exponential form, exponential form में लिखेंगे
थ्री रूट टू द पावर 16 इज इक्वल टू एक्स। अब देखे रूट की वैल्यू क्या है, ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म में तो हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो इसलिए हम रेडिकल से फिर एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, रूट की वैल्यू लगाएंगे, रूट की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 2 है एंड रूट टू द पावर 16। नेक्स्ट 3 टू द पावर 16 1 और 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाते हैं 3 टू द पावर 16 को 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, 2 और 16, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एक्स। अब क्या है 3 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसी तरह हम 8 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 6560, ठीक है 6560, एंड ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, थैंक यू वेरी मच।